हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मदुरई से रामेश्वरम कैसे जा सकते हैं क्योंकि ट्रेन्स तो बंद हैं। देखिए, मदुरई जंक्शन पर हम पहुंचे थे त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम हमने घूमा, वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिवेंद्रम से मदुरई आए थे और मदुरई से हमें पहुंचना पड़ेगा मंडपम। वहां से आपको बहुत सारी बसेस मिलेगी और हम लोग 6:30 बजे रामेश्वरम पहुँच गए थे। ये देखिए, रामेश्वरम की ही गलियाँ हैं और बहुत ही सुंदर, ये आपको मंदिर दिख रहा होगा। रामेश्वरम की गलियाँ और भगवान राम के आसपास हो तो वो नज़ारा वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, दर्शन का गेट होता है यहाँ से। और हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे, हमने एक धर्मशाला ली थी क्योंकि आपको मंदिर के आसपास रुकना है और वही सही रहता है क्योंकि दर्शन भी एक लंबी प्रोसेस है यहाँ पर। तो आप मंदिर के आसपास रुके और हमने बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने एक धर्मशाला ली थी जो बहुत अच्छी थी। लगभग 600-700 में हमें वो पड़ गया था रूम और फैमिली के साथ हम रह सकते हैं। देखिए, उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम था होटल का रूम रेडी होने में, तो तब तक हम आए थे अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको स्नान करना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ स्थान पर स्नान करना यानी अपने सब पापों से मुक्त होना। ये देखिए, हमें अग्नि तीर्थम में सभी लोग स्नान सबसे पहले आकर करते हैं। हमने भी स्नान उस दिन वहीं पर किया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और बस हम लोग स्नान करके उसके बाद हमें 22 कुंडों का एक और स्नान करना होता है जो बहुत ज़रूरी माना जाता है, जिसमें 22 तीर्थ स्थान से जल लाया जाता है और उन कुंडों से हमें स्नान कराया जाता है। देखिए, 25 रुपये उसकी टिकट होती है। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और लगभग सुबह सुबह 4 बजे हम लोग पहुंच गए थे मंदिर क्योंकि एक मणि दर्शन होता है रामेश्वरम मंदिर में। मणि दर्शन करने के बाद आप 22 कुंडों का स्नान कीजिए और वहां से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं रामेश्वरम टेम्पल। ये देखिए, बहुत कम हमें अंदर से देखने को मिलता है टेम्पल। हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं क्योंकि मोबाइल्स अलाउड नहीं होते हैं, हमने बाहर से पूरा शूटिंग ले लिया था लगभग। ये देखिए, हम लोग अंदर दर्शन भी हमने करे और ये है रामेश्वरम मंदिर के अंदर का व्यू। बहुत ही सुंदर और बहुत ही एंशियंट टेम्पल है। ये सब जो नज़ारा है, ये मंदिर के दर्शन करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे में अगर आप सुबह पहुँचते हैं तो आपको दर्शन हो जाते हैं। और ये पूरा मंदिर से बाहर निकलने के बाद नज़ारा, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। और भगवान राम का मंदिर है तो ये स्पेशल होगा ही। ये देखिए, कॉरिडोर बने हुए हैं मंदिर के आसपास और ये कुछ शिवलिंग भी बने हुए हैं। ये देखिए, अंदर दीवारें बहुत ही पुरानी और सुंदर ही, कुछ कलरफुल आसपास ही मंदिर हैं छोटे छोटे। और ये देखिए, कॉरिडोर है और इस मंदिर में एक ऐसा कॉरिडोर है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी गलियारा है। इतना बड़ा गलियारा कहीं पर भी नहीं बना हुआ है टेम्पल में। ये देखिए, रामेश्वरम का मेन जो टेम्पल है उसके आसपास का ही कॉरिडोर है और यही वो गलियारा है जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा गलियारा पूरे वर्ल्ड का। ये बहुत ही लंबा गलियारा है और एक एक खम्बा देखने में सेम लगते हैं लेकिन एक एक जो इसका पिलर है वो सबसे अलग है। देखिए, दर्शन करने के बाद हमने अब वहाँ पर खाना खाया था। नॉर्थ इंडियन खाना आपको रामेश्वरम में आराम से मिल जाएगा। हमने ये मशरूम और काजू कड़ी ऑर्डर किया था और रोटी, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा रामेश्वरम में, कन्याकुमारी में। हर जगह नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही कम रेट में ही रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स में। ये देखिए, हमने खाना इंजॉय किया था और ये था हमारा रामेश्वरम ट्रिप। आई होप आप भी इसे इंजॉय